यमन के दक्षिणी प्रांत आवियान के एक हथियार डिपो में मंगलवार को ब्लास्ट हो गया। आपको बता दें कि इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 32 लोग घायल हुए। आपको बता दें कि ब्लास्टर लादर शहर के एक मार्केट के पास हुआ। हालांकि विस्फोट किस वजह से हुआ इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। किसी भी संगठन ने अभी तक ब्लास्ट की जिम्मेदारी नहीं ली है। तो वहीं डिपो का इस्तेमाल हथियार और विस्फोटकों को स्टोर करने के लिए किया जाता था जो आमतौर पर लॉर्डर बाजार में बेचे जाते हैं। आपको बता दें कि इस इलाके में अलकायदा सक्रिय है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।